जय डियर स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, वेलकम है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने कल से सेगमेंट्स स्टार्ट कर दिया है और पूरे सेगमेंट्स में सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम लगातार कंटिन्यू अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पर चल रहे हैं, तो हर रोज ना अलग अलग लेक्चर्स रहते हैं इसमें, आपने देखा भी होगा। कल हमने मॉडर्न इंडिया लिया, आज एंशियंट इंडिया ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप देखोगे कि हमने क्लास में हम इनको पढ़ते भी हैं, ठीक है, लेकिन आप में जो निखार आएगा, आप में जो सुधार आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, वो आएगा एमसीक्यू से जो इस सीरीज चल रही है, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो उसको क्लिक करना कि हमने एग्जाम में इसको कैसे पढ़ा था, और एग्जाम में इसको कैसे करना, और क्लास में इसको कैसे बताएगा, और यहां पर कैसे करना है आपको, ठीक है। वैसे करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। चलो सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो सभी इसको लेक्चर को थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है, और बच्चे इसमें जुड़ जाए। सभी लाइक कमेंट भी कर दीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं अब। चलो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, सब बच्चे तैयार है? अभिमन्यु सर ब्लू शर्ट बहुत अच्छी लग रही, धन्यवाद सर, जय हिंद। चलो आज का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्ट एंड बुद्धिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो यहां पर आपको बौद्धिज्म से क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत शानदार क्वेश्चन, और आप इसको कोरिलेटेड करना, ठीक है, इसको कोरिलेटेड करना कि ये हमने कहां क्लास में पढ़ा है इसको, ठीक है। आप अगर इसको ऐसे कोरिलेटेड करोगे कि हमने क्लास में कहीं पढ़ा है इसको, तो बहुत अच्छे से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन देखिए, मैं इसको बताऊंगा भी कि क्लास में इसको कैसे पढ़ाया गया था और सारी चीजें। देखो यहां पर लिखा रहा, द सथा विराव डांस स्प्लिट अवे ऑफ महासंगिका ड्यूरिंग सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। आपको पता है, तो हम जब चार बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ते हैं तो आपको पता है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल्स में जो वैशाली में हुई थी, वहां जो बौद्ध संगठन के साधु संत थे, वहां सथा विरावदास और महासंगिकास में डिवाइड हो गए थे, ठीक है। लोको थेरावदा इस सब स्कूल ऑफ महासंगिकास, जो महासंगिकास ग्रुप बना उसका एक सब स्कूल उसमें से डिवाइड हुआ, जिसको लोको थेरावदा कहा गया। प्रेजेंट दे थेरावदांस आर द सक्सेसर ऑफ सथा विरावदांस। जो थेरावादी कहा जाते हैं, हमने देखा ना उसमें अलग अलग लोग होते हैं, उनके जो सक्सेसर से वो सथा विरावदास कहे जाते हैं। क्या ये चीज सही है? आपका आंसर क्या होगा? 1-2 होगा, 2-3 होगा, 1-3 होगा, या 1-2-3 होगा? ध्यान से पढ़िए, हम बौद्ध धर्म में अलग अलग जब फोर काउंसिल पढ़ते हैं तो आपको पता है फर्स्ट काउंसिल में इनके पिटक्स जो कंपाइल हुए, सेकंड काउंसिल्स में ये डिवाइड हुआ, थर्ड काउंसिल में विनय पिटक आया, और फोर्थ काउंसिल्स में हीनयान महायान में डिवाइड हो गए, ठीक है बच्चों। तो यहां अगर आप देखेंगे तो इसमें से कौन सी चीजें आपको सही करेक्ट आपको बताना। देखो अगर आप पूरा देखें विनय पिटक और इन सबको, तो फर्स्ट में विनय पिटक इनका कंपाइलेशन हुआ था, ठीक है। तो सेकंड जो काउंसिल थी वो कालाशोक के समय वैशाली में रखी गई थी 383 में, ये भी आपको पता है, ठीक है, और वहां पर ये हुआ था। तो पहला आंसर जो सही है, ठीक है ना। और बुद्धा जो बुद्धिज्म गॉड इनटू थ्री है, हीनयान महायान और वज्रयान, ठीक है। तो ये जो वज्रयान वाला कॉन्सेप्ट इनमें आता है, ये अपने आप को थेरावादी मान दिया, थेरावादी या महासंगिकास में इनका सब स्कूल्स मानते हैं। वो प्रेजेंट थेरावाद सक्सेसर ऑफ सहा सथा विरावधांस, ये भी बिल्कुल करेक्ट आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी सही होगा, 1-2-3 सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस को आप कोशिश करना कि हमने क्लास में कहां पढ़ा इनको। मैं बोल रहा हूं कि अगर वो दिमाग लगा लिया आपने तो बहुत अच्छे से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर डील्स इन द मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। अब आपसे पूछ लिया गया है कि बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स डील्स विद द मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन। अब आपने देखा होगा कि अलग अलग पिटक है, विनय पिटक,
अभिधम पिटक सुप्त पिटक, तो आपको बताना है किस में कोड ऑफ कंडक्ट है। मैंने कई बार क्लास में इनको पढ़ाया भी कि इसमें बुद्धा की स्पीचिंग है, इसमें नियम कायदे होते हैं, इसमें बुद्धा के बताए गए जो सरमॉन्स है, ये सारी चीजें आपको वहां देखने को मिलती। कहां है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर डील मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, जो है संघ के नियम कायदे रूल्स, उनके जो डिसिपल्स के रूल रेगुलेशन होते हैं, वो कौन से पिटक में आपको दिए गए हैं। ठीक है, बताइए, बहुत शानदार है। हमें आंसर मिल रहा है डी, नन ऑफ द अबव, और सूत्र पिटक मिल रहा है, मनन अरोरा का आंसर सी मिल रहा है, सूत्र पिटक। ठीक है, सी 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 सी, सभी लोगों का सी आंसर आ रहा है क्या? देखो बच्चों, अब मैं आपको जो बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुन लेना। जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट का जो कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना, या जो मॉन्क्स जो होते थे, जो उनके डिसिपल्स होते थे, उनके रूल्स रेगुलेशन होते, कौन से पिटक में बच्चों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विनय पिटक। क्या नाम है? विनय पिटक। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसका सही आंसर है विनय पिटक। ठीक है, इस करेक्ट आंसर क्या है? इसका बी आंसर है बच्चों। क्या आंसर है? बी इस करेक्ट आंसर है इसका। The cotton cloth worn by Indians had brighter white color than any cotton found elsewhere. This was recorded by. अब ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा पूछा गया है कि पुराने जमाने का ही था, एंशियंट टाइम में, कि जो कॉटन क्लोथ जो भारतीय द्वारा पहने जाते ब्राइटर व्हाइट कलर्स के होते थे थोड़े से, तो ये रिकॉर्ड जो ऐसा है कि भारत के लोग जो ऐसा कपड़ा पहनते थे, ये कहां मिलता है ऐसा रिकॉर्ड, किस किसके बारे में मिलता? अलेक्जेंडर के अकाउंट में मेगास्थनीज ने लिखा, नियारकस ने लिखा, प्लिनी ने इनको बताया, किसने ये मेंशन किया है? कई बार हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते ना सर, ये पता नहीं कहां से पूछता, वो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहां कुछ भी किसी की बुक को डिक्टेट करके पूछ लिया जाता है। यहां आंसर आपने बिल्कुल सही दे दिया, मेगास्थनीज ने दे दिया। क्यों? क्योंकि मैगेसनीज ने जब आया तो मैगेसनीज हिंदुस्तान में ही रहा, एम्बेसडर था, आपको पता है सेलिकस निकेटर का एम्बेसडर है, इसकी बड़ी फेमस पुस्तक भी आपको पता है इंडिका है, तो इसने बहुत सारी चीजें सेना के बारे में लिखा है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन लिखा, बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से इसने बताया। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट, विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका रिक्वेस्ट फॉर रिलीजियस टॉलरेंस अमंग सेक्ट। हम 14 रॉक एडिक्ट पढ़ते हैं अशोका के, आपको पता है, और 14 रॉक एडिक्ट में हम देखते हैं फर्स्ट लेकर 14 में किस किस चीज का मेंशन किया गया। मैंने कई बार बोला ये पूछा जाता है, या तो 7 पिलर एडिक्ट के बारे में पूछा जाता है, या 14 रॉक एडिक्ट पूछा जाता है जो मेजर रॉक एडिक्ट है, और इनमें से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपसे पूछ लिया गया कि किस रॉक एडिक्ट में टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, कि सब जो जो जितने भी धर्म उनके प्रति, सबके प्रति सहिष्णु रहो, कोई भेदभाव नहीं करना, सबका सम्मान करना है, अशोक ने बोला था, ये कौन सा रॉक एडिक्ट में? अगर आप कॉपी लेकर सामने बैठ गए और फटाफट चेक कर लिए तो आंसर आप दे दोगे। ठीक है ना, मैं तो ये कहता हूं कि आप आपको तुरंत ये क्लिक हो जाना चाहिए कहां से, बिल्कुल आपके आंसर हमें प्राप्त हो रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर आपके प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, मैं तो बोलता हूं हो सके तो कॉपी में फटाफट देख के दो, नेट में नहीं, कॉपी में अगर ऐसा करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि वो सर्च करोगे आप जो लिखवाया, बिल्कुल आपका आंसर 7 है। इसलिए अगर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ो बेटा। मैं क्लास में एक चीज बताई थी, ये है ना, चाहे सीडीएस एनडीए के बच्चों, सबको मैं बताता हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब वहां एग्जाम में हम चुपचाप बैठे रहते हैं, आंसर नहीं दे पाते, उसका कारण है कि हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ते। ठीक है, जब टीचर पढ़ा रहे तो उसको ध्यान से नहीं पढ़ते, ये खामियां आपको याद रखना एग्जाम में बहुत परेशानी का कारण बन सकती है। मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़े तो आंसर बिल्कुल दे पाएंगे। Who among the following is known as father of Indian prehistory? अब आपसे पूछा गया father of Indian prehistory किसको बोला गया, ये इनके बारे में जानते हैं, इनके नाम कई बार सुने होंगे आपने, रॉबर्ट ब्रूस फूट, सर विलियम जॉन्स जो एशियाटिक सोसाइटी संबंधित है, सर ई एच जे मैके, सर जॉन मार्शल, ये सबके नाम आपने सुने होंगे। लेकिन जो प्रीहिस्ट्री जो है, आपने देखा होगा इन्होंने जो जो हमारा बहुत मैथोलिथिक वगैरह जो पीरियड है, प्रीहिस्टोरिकल स्टोन, इसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया था, तो इसलिए इनको फादर ऑफ प्रीहिस्टोरिकल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कौन है ये व्यक्ति,
कौन अभी आंसर हमें प्राप्त हो रहा है? हिमांशु का आंचल का हमें आ गया है। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। ठीक है, कौन है? रॉबर्ट ब्रूस हूथ। बिल्कुल है, ऐसे आंसर देंगे तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी। ठीक है, पर आपकी भी कुछ ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है ना, ये आपकी ड्यूटी है। देखो, हम सब अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे, तो आपकी ड्यूटी से आप है ना वो मत करिए फिर। चलो, इन द संगम इज द बुक भारत नाट्यम वॉज रिटन बाय। मैं एक स्पेशल जो लेक्चर लेकर आऊंगा कल परसों में, वो सिर्फ स्पेशल आर्ट एंड कल्चर पर ही होगा। याद रखना, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर ही होगा उसमें। तो उसमें भी ये सारी चीजें आती, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन या तो एंशियंट से या मेडिवल से तो आते ही आते। अब भरतनाट्यम पूछ लिया आपसे, ये जो संगम एज में जो बुक लिखी गई, ये इसी से भरतम या भारतम, ये इसी से फिर आगे आगे भरतनाट्यम और ये सारी चीजें आई, ये जो बहुत शानदार बुक लिखी गई। तो ये जो भारतम बुक लिखी गई, किसने लिखी थी? ये पेरुद्दुनार, मणिमेखलय, सेथलय सत्यनार या तिरुक्क देव, ये सब लोगों के नाम आपने पढ़े होंगे। एक दो बार पढ़ोगे तो याद आ जाएंगे। मैंने बोला संगम एज के जो नाम है वो बहुत कठिन नाम है थोड़े से। तो आंसर आपके हमें प्राप्त क्या हो रहा है, ये आगे भी आएंगे। अगर इनको अभी आपने याद रख लिया तो आगे भी इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो आंसर आपका ए प्राप्त हो रहा है हमें। ठीक है, पेरुद्दवनार, इसको दो तीन बार है ना, इसको थोड़ा अलग अलग तोड़ के नाम है ना, पेरुद्दवनार, पेरुद्दवनार, ये एक बार में नहीं आएगा, नहीं तो गलत सलत आपका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। पेरुद्दवनार ऑप्शन ए बच्चों। ये बताऊंगा मणिमेखलय, सत्यना, सत्यनान, तिरुक्क देव, इन्होंने तिरुकुराल लिखा, जीवक चिंतामणि, ये आगे भी बुक आएगी इनकी, वो बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना इनको। चलो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट्स टर्म यूज्ड फ्रॉम राजा इन अर्ली वैदिक इरा। आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है कि राजा इन अर्ली वैदिक इरा जो है, अर्ली वैदिक इरा के समय राजा को क्या कहा जाता था, उसका जो टर्म यूज की जाती थी वो क्या, उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया था? गोपति, गोमत, गोपा, गोमित्रा। क्या होता था कि एंशियंट, मैंने आपको कई सारी चीजें बताई थी कि उस समय जो है पूरी जमीन जो होती थी उसकी लड़ाई नहीं होती, उस समय जानवरों की लड़ाई होती थी। अर्ली वैदिक एज या वैदिक एज की ऋग्वेद की बात करें हम, तो उस समय गायों के लिए लड़ाई होती थी, गाय सबसे इंपॉर्टेंट। तो जहां राजा, उस राजा की जमीन जो होती थी वो उस जमीन का मालिक कहा जाता था। ठीक है ना, ये इतना जो भी राष्ट्र होता था उनका, ग्राम, विष, जन, तो उस राजा को कहा जाता था, क्या कहा जाता? गोपति। क्या कहा जाता था? गोपति। गोपति का मतलब ये होता है कि उस जमीन का मालिक। ठीक है ना, जो गायों के लिए रखी जाती थी, तो ये राजा को कहा जाता था गोपति। ऑप्शन ए, ठीक है ना, करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, चलो आगे आते हैं बच्चों। वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। विश्व की पहली ऑयल पेंटिंग कहां मिली आपको? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, क्योंकि ये आर्ट तो यहीं आसपास ही आर्ट था। भारत में हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है, अफगानिस्तान में हो सकता है, ईरान में हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना है कहां मिली होगी ये, घुमाओ थोड़ा सा दिमाग। बुद्धा के समय कई जगह पेंटिंग्स बनी थी, है ना। बामियान पेंटिंग्स के बारे में सुना होगा आपने, जो स्टेचू बना, और बामियान में केव्स होती है, और वहीं पर आपको ऑयल पेंटिंग मिली थी। कहां पर? अफगानिस्तान। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये बामियान जो स्टेचू है, ठीक है ना, उसी में वहां पर केव्स हो रहे, उस पूरी गुफाओं के अंदर वहां पर ऑयल पेंटिंग्स मिली थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, अफगानिस्तान इज राइट आंसर। ऐसे आंसर दो मजा आएगा आपको भी। हु रॉट मालविकाग्नि मित्रम, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आई होप कि सब आंसर सही देंगे। मालविकाग्नि मित्रम, ये बुक तो मैं कई बार बताता हूं आपको, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, अभियान शाकुंतलम, और ये सारी बुक आपको अच्छे से पता है और आपको आंसर भी बिल्कुल पता है इसमें। मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसका गलत आंसर देंगे, बिल्कुल सही आंसर है। महाकवि कालिदास, संस्कृत के महान पंडित,
इन्होंने ये जो बुक लिखी गई, याद रखना, ये अग्निमित्र जो शुंग डायनेस्टी के राजा थे, अग्निमित्र, ठीक है, और विदर्भ की महारानी मालिका की प्रेम कथा जो थी उनके ऊपर ये लिखा गया, जिसको मालविका अग्निमित्रम कहा जाता है। ठीक है, तो कौन थे महाकवि कालिदास, जो इन चीजों के लिए बड़े प्रसिद्ध थे और बहुत शानदार व्यक्तित्व रहे, इन्होंने कई सारी बुक्स को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच अमोंग द फॉलोइंग वेदास सतपथ ब्राह्मण इज रिलेटेड टू। बहुत सारे मैं आपको ब्राह्मण टेक्स्ट पढ़ाए होंगे, ऐत्रेयी, कोशितकी, कैना वगैरह, बहुत सारे ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण भी है। अब आपसे पूछा गया कि शतपथ ब्राह्मण जो है ये किस वेद के कंटेंट से रिलेटेड मैच करता है, ऋग, यजुर, साम या अथर्वेद। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अगर, अगर कहीं क्लास में मुझे ढंग से सुना है पढ़ाते हुए, तो आप बिल्कुल आंसर, इसको सटीक करेक्ट आंसर दे दोगे आप। तो बता दीजिए फिर क्या है, क्या आंसर रहेगा आपका इसका, जल्दी क्विक आंसर थोड़ा सा। यजुर्वेद, आंचल का आंसर हमें यजुर्वेद प्राप्त हुआ है, ठीक है। बाकी बच्चों का आंसर क्या हमें प्राप्त हो रहा है देखते हैं। देखो बच्चों, मैंने कई बार आपको बताया कि इसमें रिचुअल्स है, जब भी कोई भी ब्राह्मण यज्ञ वगैरह करता है तो वो मंत्रों का उच्चारण करता है, ठीक है, और वो जो यज्ञ मंत्र आते हैं, आपको पता है कि यज्ञों के बारे में मेंशन किया गया है यजुर्वेद में। तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो बच्चों को उस समय पढ़ाया जाता, तो ये किस रिलेटेड, ऑप्शन बी यजुर्वेद से रिलेटेड है। ये ऐसे चीजें पूछी जाती है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ एपिक ऑफ शिल्पाधिकरम। सीडीएस वालों, ये अभी आपको स्ट्रीम में पढ़ाया है, तो ये आप लोगों से तो मैं उम्मीद करता हूं या ये देने ही सही आंसर। सिक्वेंस जब मैंने वैदिक एरिया पढ़ाया था, तो शिल्पाधिकरम जो है ये किसका सिक्वेंस है, जीवक चिंतामणि, मणिमेखले, भरतम या कुणाल, किसका है? बिल्कुल आंसर हमें प्राप्त हो रहा है मणिमेखनई, बिल्कुल। मैंने इलांगो आदिगल का नाम सुना है, ठीक है, शिल्पाधिकरम, इलांगो आदिगल, मणिमेखले, ये जो आता है जिसमें कोवलन और मैंने इनके बारे में आपको बताया था कि लव स्टोरी है उनकी, माधवी, ठीक है ना, उनकी लव स्टोरी है, तो उनकी जो बेटी होती फिर उनकी कहानी इसमें चलती है, कौन से में, मणिमेखले। तो शिल्पाधिकरम के आगे की जो स्टोरी आती है किसमें आती है, मणिमेखले, ये आगे का सिक्वेंस है, क्लियर है। हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक तिरुकुराल। अब ये नाम देखो पूछे गए, तिरुकुराल की कौन सी बुक है, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई कठिन आपको आंसर लगे, क्योंकि इसमें एक अलग ही आंसर दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन करने के लिए आपको बोले, आपको याद रखना है क्या आंसर है आपका। बिल्कुल आपका आंसर सही है, डी, तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर ने इस बुक को लिखा था, याद रखना, इस बुक को बाइबल ऑफ तमिल लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइबल ऑफ तमिल लैंड कहा जाता है। किस बुक को? तिरुकुराल को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच विच बुक इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ द तमिल लैंड, तो आपको याद रखना बुक का नाम तिरुकुराल है, और इसको लिखा है तिरुवल्लुवर ने लिखा है, क्लियर है। टफ है बहुत, वाह, अरे इतना इजी आंसर है। आप क्लास में अगर सही से पढ़ते हो लेक्चर मेरा, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आंसर, बाकी बच्चों को टफ लग रहा है क्या, अगर आपने सही से पढ़ा है तो। अब आप क्लास में ही नहीं रहते हो दोस्त, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप क्लास ही अटेंड नहीं करते हो तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है। जिन बच्चों ने पढ़ा हो उनको तो आंसर इसको बहुत ईजी लग रहा होगा, उनको तो मजा आ रहा होगा आंसर देने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बैटल ऑफ टेन किंग्स इज डेपिक्टेड इन विच मंडल्स ऑफ ऋग्वेदा। देखो ऋग्वेद के जो मंडल्स होते हैं, अलग अलग मंडल है, उन ऋग्वेद के मंडल्स में अगर आप देखते हो तो बैटल ऑफ टेन किंग्स, दस राज्य युद्ध जिसको कहा जाता है, वो दस राज्य वॉर या दस राजन वॉर इसको कहते हैं, कौन से मंडल में मेंशन है इसका,
सेवन नाइन्थ एट्थ टेंथ, बिल्कुल सेवंथ में मंडल में मेंशन आता है, जिसमें 10 राजा वर्सेस सुदास के बीच, राजा सुदास जो राजा भरत के बेटे थे उनके बीच में युद्ध हुआ परुष्णी रावी के नदी के बंटवारे, जो रिवर के बंटवारे के लिए, जिसमें विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्यकालवती वॉज द कैपिटल ऑफ विच फॉलोइंग एंशियंट किंगडम। देखो पुष्कालवती जो है किसकी कैपिटल रही, गंधार, कोशल, मगध या काशी। अगर इसको आप देखेंगे तो ये नाम थोड़ा सा हो सकता है कि सुनने में नहीं आया हो, लेकिन अगर आप पाकिस्तान वगैरह वहां जाएंगे तो तक्षशिला जो है उसी के पहले जो कैपिटल थी उसका नाम पुष्यकालवती कहा जाता था, जो एक इंपॉर्टेंट कैपिटल यहां पर रही है, और इसी बिहार पर आप आंसर यहां पर सही दे सकते हैं। बिल्कुल, क्या आंसर रहेगा, गांधार। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा बच्चों, गांधार इज द राइट आंसर। कि पुष्कावती जो कैपिटल थी किस किंगडम की थी, गांधार किंगडम की रही है ना। आप अगर 16 महाजनपद पढ़ेंगे तो वहां पर हमने 16 महाजनपद में गांधार महाजनपद को हम पढ़ते हैं और उसी में ये देखते हैं। चलो आपके आंसर सबके सही आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरेयूर वॉज एंशियंट चोला सिटी फेमस फॉर। हमने जब पढ़ा था संगम एज को पढ़ा था तो संगम एज में हम पढ़ते उरायूर को पढ़ते हैं। ठीक है, उरायूर के बारे में जानते, किस चीज के लिए फेमस रहा उरायूर बताइए, पल्स, शिप बिल्डिंग, हाउसेस या ग्रामर। आपके आंसर हमें ए प्राप्त हो रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, किस चीज के लिए फेमस था उरायूर सिटी जो एंशियंट में थी, वो किस चीज के लिए फेमस थी चोला के समय। बिल्कुल, किसके लिए बच्चों, पल्स के लिए, बिल्कुल सही है। पल्स जो है ना मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, कौन सी, उरायूर सिटी जो चोलाओं की सिटी थी, एज ए कैपिटल थी यहां की। नेक्स्ट, हेलियोडोरस इज अ ग्रीक एम्बेसडर ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स वाज सेंट एट द कोर्ट ऑफ विच रूलर। हम पढ़ते जब सुंग डायनेस्टी को पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, आफ्टर मौर्य के बाद जब सुंग डायनेस्टी को पढ़ते हैं, आपने देखा होगा उसमें हम पुष्यमित्र सुंगे, उसके बाद कई राजाओं को पढ़ते हैं, और उसके बाद अगर हम देखते हैं इस पूरी सीरीज में अलग अलग, तो एक राजा आते हैं जिनके समय इंडो ग्रीक किंग जो होते हैं उनका एम्बेसडर आता है जिसका नाम है हेलियोडोरस, और ये आता है विदिशा में। कहां आता है बच्चों, विदिशा, जिसको बेस नगर कहा जाता है, भेलसा जिसको कहते हैं, वहां आज भी इसका स्तंभ बना हुआ है जिसका नाम है गरुड़ा पिलर। क्या नाम है बच्चों, गरुड़ा पिलर इसको कहते हैं, गरुड़ स्तंभ इसको कहा जाता है, और गरुड़ पिलर इसको कहा जाता है, इसकी अपनी है। तो ये पूछा गया किस राजा के दरबार में आए थे, आपका आंसर यहां पर मिलना चाहिए। राजा का नाम हिमांशु का आंसर भागभद्र या इसको भागवत कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ये जो इंडो ग्रीक किंग है ऑफ तक्षशिला एंटियोसीडियस, उनके दरबार के राजदूत होते हेलियोडोरस जो विदिशा में आते हैं भागभद्र में। यहां पर इस पिलर को गरुड़ पिलर कहा जाता है जो भागवत धर्म के बारे में भी आपको बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनक्रिप्शन मेंशन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अथॉरिटी ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। कौन सा ऐसा इंक्रिप्शन है बच्चों जो आपको बताएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपको पता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसकी बात हो रही है, उज्जैन के महान राजा चंद्रगुप्त सेकंड की, जिनको विक्रमादित्य कहा गया था। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में इनका एक ऐसा पिलर है एनक्रिप्शन जो इनके बारे में जानकारी देता है। मेहरोली आयरन पिलर है क्या, बैरूत है, जूनागढ़ है या इलाहाबाद पिलर, मैंने पढ़ाया है। हिंट दे देता हूं, ये वो पिलर है जिसमें कभी भी रस्ट नहीं लगता है। चलो अब आंसर दे दो आप, कभी भी जंग नहीं लगती इसमें। अब आपका आंसर आ जाएगा कि जंग तो एक ही जगह नहीं लगती भाई, वो कौन सा है, बस मेहरोली आयरन पिलर इंक्रिप्शन दिल्ली वाला।
जो कुवतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर बना हुआ है ना, वो ऐसा का ऐसे आज भी खड़ा है, मैंने कई बार आपको बताया भी है, उसमें कभी भी जो है बच्चों जंग नहीं लगता। आंसर क्या आपका? ए है। चलो नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स टेराकोटा फीमेल फिगर वेर डिस्कवर्ड। हड़प्पा कौन सी साइट से टेराकोटा फीमेल फिगर्स वेर डिस्कवर्ड? टेराकोटा बहुत सारे ऑब्जेक्ट, छोटी छोटी फिगरिंस वहां से मिली है, छोटी छोटी मूर्तियां। तो फीमेल टेराकोटा, जो टेराकोटा का मतलब होता है जो मिट्टियों और जो कांसा उससे मिलकर बनाई जाती थी, कहां से मिला है? मोहनजोदारो, कोडवाला, कोड दीजी या खीर सारा या किन शाशा इसको कहते हैं? बिल्कुल सही, मोहनजोदारो से मिली थी, है ना। फीमेल जो टेराकोटा जो छोटी सी मूर्ति है वो कहां से मिली थी हमें? मोहनजोदारो से मिली थी। बिल्कुल सही आंसर है भाई। बाकी बच्चे भी आंसर दे, देखो जो बच्चे अगर नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन भी करो, आपके बहुत सारे एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे ऐसे फटाफट। एक लाइन लिखो और ये लिख दो, द फॉलोइंग हरप्पन साइट टेराकोटा डिस्कवर्ड मोहनजोदारो फीमेल। ये ऐसे अगर आप लिखोगे तो आप बहुत सारे एमसीक्यूज आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन आपसे बनते पूछे जाते, तो कभी दिक्कत भी नहीं आएगी आप लोग। विच अमोंग द फॉलोइंग किंग्स एसेसिनेटेड बृहदत्त द लास्ट मौर्यन किंग? ये आपसे पूछा गया है कि जो किंग है बृहदत्त को, वो किसने उसको एसेसिनेटेड या मारा था, जो अंतिम राजा है। आपको पता है 185 में बीसी में मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या कर दी। किसने कर दी? अग्निमित्र, पुष्यमित्र, शुंग, वासुस्त या वशुमित्र? कौन थे वो जिन्होंने एक अपना वंश एस्टेब्लिश किया था? कौन सा? बिल्कुल शुंग डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था उन्होंने। तो नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। ये सेनापति थे इनके, और जब राजा सही से काम नहीं कर रहा था सेनापति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि इनको हटाएं, और उन्होंने हटा दिया, ठीक है। ऑप्शन बी, शिमुक वॉज एन एंशियंट किंग एंड द फाउंडर ऑफ विच अमोंग द फॉलोइंग डायनेस्टी? ठीक है, शिमुक जो है एक बहुत शानदार एंशियंट किंग था, किस डायनेस्टी संबंधित था शिमुक? सातवाहन, कादंब, गंग या काकतीय? देखो आपने सुना होगा शुंगा, शुंगा के बाद आए कण्व, और कण्व के बाद आए सातवाहन। तो जो सातवाहन डायनेस्टी रही है उसके जो फाउंडर है सातवाहन डायनेस्टी के, वो कौन है बच्चों? शिमुक थे। ऑप्शन ए सातवाहन इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, विच अमोंग द फॉलोइंग बुद्धिस्ट कैनन इज रिलेटेड टू डीलिंग विथ रूल्स फॉर मोंग एंड रन्स? देखो फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा बुद्धिस्ट कैन से मतलब कौन सा इसका लिटरेचर है जो वहां के बारे में बताता है, जो रूल्स मोंग के साधु संस के रूल्स और इनके बारे में बताता है। वही क्वेश्चन अब देखो दूसरी तरह से पूछ लिया गया, वही क्वेश्चन है जो दूसरी तरह से पूछ लिया गया जो पहले पूछा गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल वही आंसर होगा बेटा, क्या होगा? विनय पिटक। रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरल इथिक्स, ये सब कहां मिलेंगे आपको? विनय पिटक्स में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? विनय पिटक मिलेंगे, ठीक है। तो इनको थ्री बकेट्स कहा जाता है, तीन पिटक्स कहा जाते हैं, जिसमें सूत्र पिटक भी है, ठीक है। सूत्र पिटक में क्या है? इसमें सूत्र पिटक में सूत्रा बुद्धा क्लोज कंपेनियन से रिलेटेड सूत्र दिए गए जो बुद्ध ने जीवन संबंधी दिए। अभिधम पिटक में उनकी सारी प्रीचिंग्स है, उनकी स्पीच है, उनकी सेरेमोनस है, और यहाँ पे क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है, एक तरह से उनके नियम कायदे। गोपद ब्राह्मण, देखो पहले शतपथ पूछा गया था आपको जो यजुर्वेद से संबंधित था, अब आपसे पूछा गया गोपद ब्राह्मण इस पार्ट ऑफ विच फॉलोइंग वेदास, किस वेदों का पार्ट है? ऋग, यजुर, साम या अथर्वेद? गोपद क्या है, ठीक है, गोपद जो होता है बच्चों वो किस का पार्ट है? चलो बताइए, गोपद जो है किसका पार्ट आता है? ये पूरा जेनप्रोस टेक्स्ट रिकॉर्डिंग किया गया है इसको,
अथर्ववेद, बिल्कुल सही आंसर। क्या आता अथर्ववेद, द लास्ट वेद जो है उसमें जो कंटेन आता है गोपद ब्राह्मण आता है। तो मैंने आपको कई सारे टेक्स्ट बताए थे कि हिंदू धर्म सनातन में बहुत सारे टेक्स्ट है, वेद है, फिर ब्राह्मण टेक्स्ट है, उपनिषद है, वेदांग है, ठीक है। तो ये अलग अलग ब्राह्मण इनको कॉट करके लिखे गए थे, गोपद ब्राह्मण। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ आंध्र प्रदेश इज वेल नो फॉर ए बुद्धिस्ट स्तूप। आंध्र प्रदेश में कौन सी ऐसी जगह है जहां से बुद्धिस्ट स्तूप प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। स्तूप आप जानते हैं, सांची स्तूप है, ऐसे स्तूप मिले हुए कहां, अमरावती, श्रीकुल्लम, राजमुंद्री या चित्तूर। कौन सी ऐसी जगह है जहां से आपको बौद्धिस्ट स्तूप प्राप्त हुआ है। बहुत पुरानी और बड़ी प्रसिद्ध सिटी रही है आंध्र प्रदेश की, इसको फिर से बसाया जा रहा है। क्या है आंसर, अमरावती इज राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। क्या आंसर है, अमरावती, जहां से बुद्धिस्ट स्तूप प्राप्त हुआ है। देखो, न्यूड मेल टोर्सो हैज बीन फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। जो मेल है उसका न्यूड मतलब उसका नग्न टोरा, वो टेराकोटा फिगरिन, छोटी सी वो फिगरिन मूर्ति मिली हुई है, कहां से मिली हुई। मोहनजोदारो में ऐसी सब मिलेगी, फीमेल भी मिलेगा, मेल भी मिलेगा, ठीक है। महरगढ़, मोहनजोदारो, हरप्पा, लोथल, कहां से मिला है बच्चों, इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए, कहां से प्राप्त हुई है, ठीक है। ये हुई है कहां से, जल्दी, मोहनजोदारो नहीं है बेटा, हरप्पा है। क्या है, हड़प्पा है, याद रखना। मोहनजोदारो से फीमेल्स टेराकोटा फिगरिंस मिली है और मेल की हरप्पा से मिली है, ठीक है। सी आंसर इज, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू साक्य क्लैन ऑफ क्षत्रिय। देखो अब ये आंसर आपको पता होगा, कौन से ऐसे व्यक्ति है जो क्षत्रिय थे और उनका वंश साक्य वंश था। गौतम बुद्ध, महावीर जैन, चंद्रगुप्त मौर्य या ऋषभनाथ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आंसर भी प्राप्त हो गए, आपका आंसर आ गया सर, गौतम बुद्ध थे, बिल्कुल थे, इनके पिता राजा शुद्धोधन, ठीक है, साक्य वंश के राजा थे, क्षत्रिय थे, इनकी माँ महामाया थी, तो ये गौतम बुद्ध थे। महावीर पूछा जाता, तो महावीर जो थे ज्ञात्रक कुल के थे, वो ज्ञात्रक वंश था, इनका भी क्षत्रिय वंश लेकिन ज्ञात्रक था। चंद्रगुप्त मौर्य होते, ठीक है। चलो बच्चों आगे आते हैं, हु अमोंग द फॉलोइंग इरेक्टेड मॉनेस्ट्री स्तूप एट पेशावर। इनमें से किस व्यक्ति ने पेशावर में, जो पाकिस्तान में बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री स्तूप बनवाया था, कौन है ये। आप सब लोगों को बहुत ये ऐसे ना चीजें बेटा सीखो, मजे आएंगे, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी आपको। क्वेश्चन पहली बार यहां भी पढ़ोगे आप, हो सकता है कहीं नहीं पढ़ाओ, कुछ हो सकता पहली बार और कहीं भी पढ़ाओ आपने, तो यहां आपके एक तरह से रिविजन होगा, सीखने को बहुत मिलेगा। किसने, अशोक, कनिष्क, बिंबिसार, श्रीगुप्त, भाई बता दीजिए किसने बनाई थी। हाँ हमें आंसर जो है कनिष्क प्राप्त हुआ है, अशोक भी प्राप्त हो रहा है। देखो अगर मैं आपको बताऊं कि स्तूप बनाने की शुरुआत तो अशोका ने की थी, ठीक है, लेकिन अशोका के बाद आपने देखा वो स्तूप इतने ज्यादा वो नहीं रहे, बाद में तोड़ दिए गए। लेकिन जो कनिष्क की कैपिटल बच्चों पेशावर रही थी, याद रखें, कनिष्क की कैपिटल क्या थी, पेशावर थी, बाद में दूसरी कैपिटल उसकी मथुरा बनी, तो वहां पर उसने बौद्धिस्ट जो है मॉनेस्ट्री बनवाई थी बड़े स्तर पर। आंसर आपका क्या है, कनिष्क है। क्या है, कनिष्क है बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है, कनिष्क है। Which among the following sites of Indus Valley era considered the oldest plug field in the world? कौन सी ऐसी इंडस साइड में जहां प्लग फील्ड का मतलब जूता हुआ खेत, जो खेत मिला हुआ है पूरा जूता हुआ का मतलब होता है, जो जहां पर हल है, जहां पर जो भी मतलब एक तरह से जो बोनी की जाती है ना, सोयाबीन वगैरह से बोई जाती है, उसको जूता हुआ खेल के मतलब खेत बोलते हैं, तो वो कहां से आपको मिला था, हरप्पा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, और ये एक ही जगह है। आपका आंसर भी हमें मिल गया, वो कालीबंगा है, बिल्कुल सही है। इसलिए इंडस से अगर आपसे पूछेंगे तो एविडेंस पूछेंगे, है ना, तो वो कहां से कौन से एविडेंस मिले वो आपको याद रखना है। विच अमोंग द फॉलोइंग ब्राह्मण गिव एज अकाउंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन फॉर ए सीजन।
कौन सा ऐसा ब्राह्मण टेक्स्ट है जो आपको एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देता है, किस सीजन में कौन सी फसल बोना चाहिए आपको? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, कोशितकी ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण टेक्स्ट है? ये बहुत शानदार टेक्स्ट है जिसके जिसमें इन चीजों का मेंशन भी बहुत अच्छे से किया गया। हाँ बच्चों बता दीजिए आंसर कौन सा ब्राह्मण है। देखो शुक्ल यजुर्वेद को डेसिफाइड करके लिखा गया है। अब देखो मैंने गोपद बता दिया, सतपद बता दिया, ठीक है ना। अब बता दो आप शुक्ल यजुर्वेद को तो आप आंसर दे देंगे कौन सा होगा शुक्ल यजुर्वेद वाला। यजुर्वेद को हमने पहले ही दे दिया ना, यजुर्वेद मतलब कौन सा ब्राह्मण जो यजुर्वेद से संबंधित था, कौन सा था? शतपथ ब्राह्मण। अभी तो आंसर लिया था शतपथ ब्राह्मण, तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद जो दो सागर, शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण का मेंशन होता और उसमें सब एग्रीकल्चर कौन कौन से समय में कौन कौन सी फसल बोई जाती है उसका मेंशन है। Who among the following were also as Tocherians? वाह क्या नाम है Tocherians, इनमें से किसको कहा जाता है? बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने Tocherians, बता दीजिए। शानदार, बहुत शानदार, किसको कहा जाता है? कुशांस, हुनास, ग्रीक्स, चकास, ये सब विदेशी लोग थे जो हिंदुस्तान आए। इसका आंसर तो आप दे दोगे, मुझे लग रहा है इसका आंसर आपको पता है Tocherians, इसको हमने पढ़ा भी है अच्छे से। देखो ये चाइना से आए थे, कहां से आए थे बच्चों? चाइना से आए थे, और चाइना से इनको यूची भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूची भी इनको कहा जाता है। कौन है? कुशाण से। कौन है कुशाण? कुजुल कटफीपेस, भीमा कटफीसेस, ये लोग थे वो। कौन है कुशाण से? बिल्कुल है, जिनको Tocherians कहा जाता है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए नोबल ट्रूथ एज पर बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस? देखो इनमें से इज नॉट कंसिडर्ड, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। बुद्धा के आपने नोबल ट्रूथ पढ़े, चार नोबल ट्रूथ है, इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। दुख, अब ये हिंदी में है ना, दुख मतलब सोरो, दुख समुदाय, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, ऐसा पूरा मेंशन है इसमें, ठीक है। दुख भजाना, ठीक है ना, दुख भजाना मतलब दुख को उसको खत्म करना, या दुग्ध निरोध गमिनी पाथ, मतलब दुग जो वो मैंने बताया ना अष्टांगिक, फॉलोइंग द अष्टांगिक पाथ जो है कौन सा है, द फूल उज सोरो, है ना, द डिजायर कैन बी सोरो, ऐसा सब कुछ दे रखा है इसमें। तो क्या आंसर होगा इसमें? बिल्कुल है ना, ये सी है ना, दुख भंजन, दुख भंजन जो आता ना, दुख भंजन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दुख भंजन मतलब दुख को हरने वाला, खत्म कोई नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट राजगृह, बुद्ध की पहली काउंसिल आपको पता है राजगृह में हुई थी, 483 में हुई थी। राजा थे अजात शत्रु, उनकी राज, क्या हुआ था उसमें? Shortly after Buddha's death, shortly before Buddha's death, a century after Buddha's death, a century after Buddha's death. ये तो दोनों एक जैसे हो गए। Century, इसको before कर लो एक को, इसको before कर लो। तो क्या आंसर रहेगा इस? कब हुआ था ये? बिल्कुल सही है, अरे बुद्धा की डेथ के बाद, shortly after Buddha's death. ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बुद्धा की डेथ के बाद ही ऑर्गेनाइज हुआ था। नेक्स्ट है निष्का इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। निष्क आपने कई बार सुना होगा ये वर्ड, निष्क, बहुत ध्यान से सुना करो इन वर्ड को, निष्क है, रुपियम से, ये अलग अलग वर्ड यूज किए जाते थे उस जमाने में। तो किस चीज को कोरिलेटेड करके ये किया जाता था? एक निष्क किया जाता है कि हिरण्य पिंडा, ये दो यूज किए जाते थे वर्ड उस समय। ये किसको लेकर किस समय? वैदिक मौर्य
गुप्ता संगम, ये एक तरफ से करेंसी है, ये करेंसी है ये, तो ये निस्क समय यूज किया जाता, वैदिक पीरियड में किया जाता था। एक तरह से ये क्या होता था, मीडियम ऑफ एक्शन निस्क एंड हिरण्यपिंड, ठीक है ना, ये एक तरह से स्टूड एज ए लिंक बिटवीन करेंसी, है ना। तो ये मनी इन करेंसी के बीच की स्टेट थी जो यहां पर थी वैदिक पीरियड में, ठीक है, जिसको निस्क कहा जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू परफॉर्म विच अमोंग द फॉलोइंग फंक्शन राजू काज वेयर अपॉइंटेड बाय अशोका। हमने पढ़ा है प्रदेशिकाज, राजू काज, युक्तास, तीर्थाज, ठीक है, नहीं कई सारे नाम पढ़े हमने। तो ये राजू काज किसके लिए, अशोक ने अपॉइंट, रेवेन्यू, जुडिशियल, रिलीजियस, मिलिट्री, क्या काम करते थे राजू काज वाले लोग, इनका क्या काम होता था। ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, जुडिशियल है, रिलीजियस है, क्या है इसका आंसर, बच्चों में बताऊं क्या आंसर है इसका, जो ये काम करते थे राजू काज, वेयर द रेवेन्यू फंक्शंस टू बिकम कंडक्ट ऑफ जुडिशियल्स। रेवेन्यू में अगर कोई नहीं देता तो उसको जुडिशियल करते थे कि किसको क्या सजा दी जाए, ये राजू काज का काम। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पढ़ो, थोड़ा निकालो नोट्स, अगर बनाए हो तो जो मैंने पीडीएफ पहुंचाई उनमें देखो कहां मिलेंगे, सब मिलेगा। कीस्टोन ऑफ द फिलोसोफी थॉट्स ऑफ उपनिषद, ये जो कीस्टोन ऑफ फिलोसोफी थॉट उपनिषद है वो क्या है, उसकी फिलोसोफी क्या है, सत्य, यूनिवर्सल नॉलेज है, यूनिवर्सल सोल है या यूनिवर्सल गॉड है, उसका जो उपनिषद लिखे गए उनकी फिलोसोफी क्या है, किस पर डिपेंड करते हैं वो लोग। यूनिवर्सल सत्य पर, हिमांशु का आंसर से सत्य पर करते हैं डिपेंड। चलो बेटा वो करते हैं डिपेंड यूनिवर्सल सोल पर, जो है ना सोल, आपकी आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, इस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। सारे उपनिषद की थॉट यूनिवर्सल सोल पर डिपेंड करती है, उस एनर्जी पर डिपेंड करती है जिसको कोई नहीं देख पाया, ठीक है, उसी पर डिपेंड है पूरी। Which among the following observations are correct with the reference to Indus Valley civilization? से आपको देखना है कौन सा observation correct है। The principal resources of the Indus limbs was in the agriculture wealth, ठीक है ना, principal resource of Indus limbs with the agriculture wealth, items of jewelry such as bangles and strings of beads were very important in Indian dress. मतलब एक तरह से आपसे वहां के कल्चर के बारे में क्वेश्चन है और वहां के पहनावे के बारे में क्वेश्चन है, वहां कौन कौन चीजों का यूज वो लोग करते थे, करेक्ट है, और वो बताना है आपको, ये एक है, दो है या दोनों नहीं है। देखो एग्रीकल्चर वाले जो लोग थे, आपको पता है इंडस वैली वाले लोग एग्रीकल्चर करते थे, उनकी मेन बैकबोन इकोनॉमी की वो थी बिजनेस के साथ साथ। और आइटम ऑफ ज्वेलरी का तो हमने पढ़ाई कि वहां के लोगों को ये भी सब चीजें पसंद होती थी, पाउडर, काजल, कंगी, ये सब जो भी है, लिपस्टिक्स वगैरह, ये सब प्राप्त होती थी। बाकी पहनने में चूड़ियों का, बैंगल, स्ट्रिंग, बेड्स, इनका सबका यूज करते थे। तो ये बिल्कुल होगा, 1 और 2 इज राइट आंसर, ठीक है ना, 1 और 2 इज राइट आंसर। विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आपसे फिर क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा अलग है। अब द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इंजॉय गुड ट्रेडिंग रिलेशन विद द नंबर ऑफ अदर कल्चर एंड बॉर्डर्स, ये बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करते थे। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वॉज द एस्टेब्लिश आउटपोस्ट बियॉन्ड द मेन एरिया ऑफ हरप्पन सेटलमेंट डेजिग्नेटेड कंट्रोल प्रोड्यूस ऑफ की रीजन। देखो ये लोग पूरा एक तरह से सिविलाइजेशन में अपना काम करते थे, हरप्पा से लेकर सारे सेटलमेंट कंट्रोल प्रोड्यूस की रीजन, एक तरह से उनमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते थे। तो इनका आंसर क्या सही होगा। अरे भाई स्वयं बात ये भी वही होगा ना, क्यों होगा, इसमें भी दोनों, क्योंकि ये लोग बिजनेस करते थे ईरान, सुमेलिया जो उसको कहा जाता, मेसोपोटामिया, इनके सबके साथ, इजिप्शियन के साथ होता था, इनका अपना एक इंपॉर्टेंट की रीजन था इनका, जो सब लोगों को मैनेज करते थे।
फिर क्वेश्चन आया कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जर्व रिस्पेक्ट ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट, फिर पूछा गया द मेजोरिटी ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट वेर लोकेटेड नियर वाटर सोर्सेस, अधिकतर लोग वाटर सोर्सेस के पास नदी तालाब के पास रहते थे। हड़प्पन मेड सिंकिंग एंड वेल्स बिल्डिंग रिजर्वेशन वेयर लोकल सरफेस वाटर सप्लाई एंड एडिक्वेट, ये लोग क्या इन सब चीजों का यूज करते थे, है ना, वो अपने यहाँ वो जो आपने देखा होगा घरों के अंदर छोटे छोटे कुएं वगैरह उसमें से वो सारी ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छे से बनाते थे क्या, ये आपसे पूछा गया। क्या सही है, एक सही है, दो सही है, बताइए क्या सही है इसका आंसर। बिल्कुल बहुत, ये भी सही है, क्या बात है आपको बिल्कुल पता है, मतलब यार ये अच्छे से जिसको पता है ना वो जो पढ़ता है उस बच्चे को पता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे पूछा हॉलमार्क फीचर ऑफ द न्यूलिथिक रिवोल्यूशन, न्यूलिथिक पीरियड वो पीरियड है जिस समय लगभग कुछ सीख गए थे लोग बहुत अच्छे से, क्या है ट्रांजिशन फ्रॉम ऑफ हंटिंग गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन, यहां से चेंज हो गया था हंटिंग और गैदरिंग की जगह अब यहाँ पे फूड प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सीख गए थे। ट्रांजिशन फ्रॉम प्लांट्री यूज ऑफ कॉपर टू आयरन, ये लोग प्लांट्री जो यूज करते थे पहले पत्थरों की जगह अब कॉपर आयरन का यूज करने लगे थे। राइज ऑफ डोमेस्टिकेशन वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, और इन्होंने बहुत सारे जानवरों को और पेड़ पौधों को उगाना या उनकी खेती करना स्टार्ट कर दिया था, उनको पालतू बना लिया था जानवरों को। अब ये बताना है ये क्या सही है, इनमें से कौन सा सही है, तीन है भाई, वन टू थ्री, अब इसमें बोध थोड़ी आ रहा है, अब इसमें आंसर आपको चेंज है, इसमें बोध थोड़ी है, क्या आंसर रहेगा ढंग से सोचो, हर चीज का आंसर वन टू थ्री नहीं होता या सभी नहीं होता है, ठीक है। देखो अगर हंटिंग गैदरिंग की अगर फूड प्रोडक्शन बिल्कुल सही है, ये सही है, सीख गए थे, लेकिन यूज ऑफ कॉपर टू आयरन ये न्यूलिथिक पीरियड का नहीं है, मैंने पढ़ाया ये कैलकुलिथिक पीरियड का, कैलकुलिथिक मतलब समझ रहे हैं, कॉपर का यूज हुआ था बच्चों कहां हुआ था, हड़प्पा सिविलाइजेशन में, और आयरन का यूज हुआ था वैदिक पीरियड में, तो यहां तो था नहीं इनको न्यूलिथिक पीरियड में तो था नहीं, तो इसके लिए नहीं होगा है, ये नहीं होगा, इसलिए थर्ड जो है इट हैज प्लांट्स एनिमल, ये सही है, तो वन और थ्री जो है करेक्ट आंसर, आंसर डी जो है आपका सही आंसर रहेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, हर चीज में आंसर सभी नहीं होगा थोड़ा। विच अमोंग द फॉलोइंग कंपेरिजन ऑफ द हिंदू गोड्स ऑफ द वैदिक एज एंड ग्रीक गोड्स ऑफ द ह्यूमेरिक एज इज करेक्ट, देखो ग्रीक गोड वैदिक एज इनके बारे में यहां से पूछा गया आपसे, ठीक है। द हिंदू कॉन्सेप्शन आर नियरेस्ट टू नेचर, ग्रीक कॉन्सेप्ट हैव ए मार्क इंडिविजुअलिटी, मतलब अब पूछा गया कि जो हमारे सनातन देवी देवता वो लगभग सबके किसकी तरह है, नेचर के थोड़े से रिलेटेड हमने उनको माना है, और जो ग्रीक कॉन्सेप्शन में वो पर्सनली किसी को माना है, हिंदू कॉन्सेप्शन मोर आर्कियक, ग्रीक कॉन्सेप्शन आर मोर डेवलप्ड, हमारा जो था बहुत प्राचीन था आर्कियक था कुछ उसको और इनका बहुत डेवलप्ड था, इसमें से क्या सही है, दोनों सही है, क्या है क्या आंसर रहेगा, एक दो क्या सही रहेगा। ठीक है देखो दोनों ही सही है, इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। ये अगर हम पढ़ेंगे हिंदू धर्म तो ये कॉन्सेप्ट है, ग्रीक में ये आएंगे थोड़ा सा। विच अमोंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसिक डिफरेंस बिटवीन अर्ली महायान एंड हीनयान स्कूल ऑफ बौद्धिज्म, हीनयान महायान आपने पढ़ाए बहुत अच्छे से पढ़ाए, ठीक है ना, हीनयान महायान आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और हीनयान महायान पढ़ाए तो आंसर दे दीजिए आप, क्या है, महायान बिलीव्ड इन अ वर्शिप ऑफ बुद्धा आइडल्स, हीनयान जनरली डिसलाइक आइडल वर्शिप, महायान मूर्तियों विश्वास करते थे ये नहीं करते थे। लैंग्वेज ऑफ महायान वॉज प्रोडमली संस्कृत लैंग्वेज और हीनयान वॉज प्रोडमली पाली भाषा, है ना, ये आपको पता है महायान वाले जो लोग संस्कृत को मानते थे। अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ ऑफ महायान इज निर्वाण और अल्टीमेट एम ऑफ द हीनयान वॉज स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, इनका उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है जो बुद्ध ने किया था, उसका मतलब क्या होता है एनलाइटमेंट करना, और ये लोग होता है स्पिरिचुअल आध्यात्म प्राप्त करना, क्या सही है इसमें, वन टू थ्री सही है, वन टू सही है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त,
क्या सही है? आपने कहा तीनों सही है, वन टू सही है, वन टू सही है। देखो अब मैं आपको बताता, महायान और ये लोग आइडल वर्शिप में बिलीव करते थे, बिल्कुल पहली बार मूर्तियां बनाई गई कनिष्क के समय, और ये नहीं करते थे। कौन? हीनयान वाले, ये सही है। महायान जो संस्कृत को अपनाते, इनके जो ग्रंथ होते हैं विपुल सूत्र कहलाए, और हीनयान वाले पाली भाषा को अपनाते, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो है ना, इनका मेन कभी भी निर्वाण प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना तो किसका था? हीनयान वाले लोगों का था। हीनयान वाले लोग चाहते थे कि बुद्धा की तरह निर्वाण प्राप्त करें। महायान वाले लोग तो निर्वाण प्राप्त करना नहीं उद्देश्य था, महायान वाले का तो बुद्ध को भगवान मानना उद्देश्य था इनका। तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? वन और टू इज करेक्ट हो जाएगा आंसर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच अमोंग द फॉलोइंग द फर्स्ट केव टेम्पल वेर कंस्ट्रक्टेड इन द चेत एंड विहार आर्किटेक्चर स्टाइल। सबसे पहले आपको पता है आर्किटेक्चर से चैत्य और विहार, आपको पता है चैत्य मतलब प्रेयर हॉल, विहार मतलब रेसिडेंट हॉल ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। ये किसने बनाए थे? शकों ने बनाए थे, सातवाहन, कुषाण या मौर्य लोगों ने? किसने बनाए थे? बेटा गौतम बुद्धा के फॉलोअर थे, बिल्कुल थे, लेकिन उनके मानने में जो फिलोसॉफी होती है उसमें डिफरेंस होता था, उनमें बहुत सारे डिफरेंस होते थे। तो किसने चैत्य और विहार किसने बनाए बताइए? बड़े बड़े चैत्य मिलेंगे, विहार मिलेंगे, इन्होंने किसने बनाए? चैत्य विहार बनाए बच्चों सातवाहन राजाओं ने, है ना? बड़े बड़े चैत्य विहार आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा। पढ़ाया था कैलाशनाथ टेम्पल, जो एक पहाड़ को काटकर बनाओ, भगवान शिव का बना, बहुत शानदार बना हुआ। तो आपको बताना है क्या है इसकी कंस्ट्रक्टेड एट्रिब्यूटेड द पल्लव डायनेस्टी। क्या है? पल्लव डायनेस्टी के लोगों ने बनाया। द टेम्पल वन ऑफ द बेस्ट अर्लियर एग्जाम्पल ऑफ पंचयतना, पंचयतना, ये हमारे जो हिंदू टेम्पल्स होते हैं, पंचयतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी यूज किया जाता है। बहुत शानदार हिंदू टेम्पल में इसमें सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो क्या इस स्टाइल में बना था? आपको आंसर देना, थोड़ा दिमाग लगाना है, आप आंसर दे दोगे। कंस्ट्रक्टेड पल्लव डायनेस्टी के समय बना क्या, या ये स्टाइल में? ये स्टाइल है क्या? वन टू, टू थ्री, दोनों नहीं, बताइए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। नाइदर, यानी दोनों नहीं है। बाकी बच्चों का आंसर क्या है? बाकी बच्चों देखो, बिल्कुल सही है, किसी का आंसर है नन, बिल्कुल सही है, कोई कोई नहीं। क्यों? देखो कि ये बनाया पल्लव डायनेस्टी के समय नहीं बनाया। आपको बताया चालुक्य जो थे उसके बाद यहां पर आए कौन? राष्ट्रकूटा, बताया था राष्ट्रकूटा में कृष्णा थर्ड, उन राजाओं ने बनाया था। टेम्पल ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल, नॉट ए पंचेन स्टाइल। पंचन स्टाइल या नागर स्टाइल में नॉर्थ इंडिया के मंदिर बने, द्रविडियन स्टाइल, वशारा स्टाइल में साउथ इंडिया। तो ये जो है द्रविडियन स्टाइल में बना होता है। ये स्टाइल भी मैंने आपको बताया, इसमें आंसर आएगा ना ही एक है ना ही दो है। नेक्स्ट, द अर्ली वैदिक एज विष्णु वॉज वन ऑफ द नेम्स ऑफ। विष्णु भगवान को क्या कहते थे अर्ली वैदिक एज में? क्या नाम था विष्णु भगवान का? सूर्य, अग्नि, दायुष या प्रजापति, क्या कहते थे भगवान विष्णु को? अर्ली वैदिक एज का पूछ रहा हूं, समय समय पर नाम भी बदल गया फिर इनका। प्रजापति, देखो दायु, सूर्य, अग्नि, प्रजापति, ब्रह्मा को भी कहा गया, विष्णु को भी कहा गया, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का डी। विच अमोंग द फॉलोइंग वॉज वेयर द रिलीजियस सिंबल्स आइकोनोग्राफी ऑफ इंडस पीपल्स। अब आपसे पूछा गया है कि रिलीजियस सिंबल से आइकोनोग्राफी जो शास्त्र होते हैं एक तरह से, क्या क्या चीजें आपको वहां पर मिली है? प्रिमिटिव टेम्पल्स, क्या कुछ टेम्पल्स मिले हुए हैं? सील्स मिली, सील्स मतलब मुद्रा है, जो वहां पे सील जिसमें बहुत सारे यूनिकॉर्न वगैरह बने हुए थे। स्टैचूज मिले हुए हैं, टेराकोटा फिगरेंस मिली हुई है, एमुलेट्स मिले हुए, एमुलेट्स मतलब होते हैं ताबूत वगैरह, ये वगैरह एमुलेट्स उनको कहते हैं।
स्टेच्यूज मतलब मूर्तियां वगैरह, टेराकोटा फिग्रेंस, क्या क्या मिला हुआ है आपको? 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 बता दीजिए क्या क्या मिला हुआ है। हर चीजों को हमने पढ़ा है कि ये चीज वहां से प्राप्त हुई है, बता दीजिए। अब आपका कहना है 1 2 3 5 फिला है, सारी चीजें मिली है। देखो एक चीज है, वहां से मैंने कई बार बताया कि टेंपल जो है ना कहीं से कहां तक नहीं मिला अगर आप ढंग से पढ़ोगे। टेंपल तो बिल्कुल भी नहीं इंडस वैली में, सील्स मिली हुए, छोटी छोटी स्टेच्यूज मिली हुई है, टेराकोटा फिग्रेंस मिली हुई है और एमुलेट्स मिले हुए, ताबूत मिले हुए, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 सी आंसर हो जाएगा। 2 3 4 5 इज करेक्ट आंसर। विच अमोंग द फॉलोइंग एनिमल वॉज वेयर Surely domesticated by Indus people। देखो अब आपसे पूछा गया कि कौन से ऐसे एनिमल है जो इंडस लोग उनको पालते थे या वहां उनके एविडेंस मिले हैं। हम्पबैक जेबू कैटल, कोई ये कुबड़दार जैसा कोई बेल मिला है क्या? गोट से, डॉग से या हॉर्सेस, बता दी। एक शीप भी दे रखा है, बता दी। 1 2 3 4 1 2 3 4 देख लीजिए, इसमें सब में आंसर मिलेंगे। क्या क्या मिला है, किन किन चीजों को उन्होंने पालतू बना लिया था इंडस वैली के लोगों ने? आपका आंसर है 1 2 3 4 5 डी, सभी को पालतू बना लिया था। ध्यान लगाओ थोड़ा सा, एक को पालतू नहीं बनाया उन्होंने, एविडेंस मिला है लेकिन वो अभी भी जंगली मानते थे उसको। किसको? घोड़े को, हॉर्सेस का नहीं मिला, बाकी का मिला, इसलिए 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा इसका। मैंने बताया कि हॉर्स के बॉन्स मिले हैं वहां से हड्डियों के साथ, लेकिन पालतू नहीं था हॉर्स, क्योंकि कहीं पर भी हॉर्स का चित्र नहीं मिला है, इसलिए वो जो है पालतू नहीं माना गया है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द हड़प्पन सेटलमेंट, द मेजोरिटी ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट वेर लोकेटेड नियर वाटर सोर्सेस, ये फिर से वही आ गया और एनेक्वेट, तो इसमें बहुत आंसर आ जाएगा आपके, 1 और 2 दोनों आ जाएंगे। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। हॉर्सेस को नहीं, हाँ हॉर्सेस का जो है कोई भी उनका चित्र वहां से प्राप्त, कोई इमेज वहां से नहीं मिली है। चलो ये क्वेश्चन शानदार है कि पोजीशन ऑफ वुमेन इन ऋग वैदिक इंडिया फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट। देखो गर्ल जनरली सिलेक्टेड द ऑन हस्बैंड, क्या अर्ली जो वैदिक ऋग वैदिक इरा था वहां लड़कियां खुद अपने पति को चुनती थी। अनमेरिड गर्ल्स ऑब्टेन शेयर इज पैटर्नल प्रॉपर्टी, क्या जिस लड़की की शादी नहीं होती थी अपने माता पिता की प्रॉपर्टी पर अपना हिस्सा था। विडो कुड रीमैरी आफ्टर डेथ ऑफ देयर हस्बैंड, और वो अपने हस्बैंड के बाद जो विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, ऐसा यहाँ पर प्रस्ताव मतलब ये दे रखा है। ये क्या चीजें यहाँ के बारे में सत्य है? क्या चीजें ये सही है बच्चों? बिल्कुल सही है, 1 2 3 बिल्कुल सही। देखो गर्ल जनरल सिलेक्टेड ऑन हस्बैंड, बिल्कुल सही है, स्वयंवर होते थे उस जमाने में, ठीक है। अनमेरिड गर्ल्स ऑब्टेन द शेयर इज पैटर्नल प्रॉपर्टी, बिल्कुल ये भी सही है, और वो उसको विवाह का अधिकार था, यानी बहुत शानदार जमाना था ऋग वैदिक। हाँ ये सब बदल गया कौन से पीरियड में? लेटर वैदिक पीरियड में। तो ऑप्शन डी 1 2 3 इज राइट आंसर। व्हाई द बुद्धास टीचिंग आर कंसिडर्ड टू बी अलोंग द मिडिल पाथ, जो बुद्धास टीचिंग है उसको क्यों हम ऐसा कंसिडर करते कि उसने उन्होंने बीच का रास्ता बताया था, मिडिल पाथ बताया था, ऐसा क्या है? इट वॉज बेस्ड ऑन टू कल्चर्स, क्या उनकी जो टीचिंग है दो कल्चर्स पर डिपेंड थी इसलिए उन्होंने बोला था। इट अवॉइडेड एक्सट्रीम हैबिटेट सेंसुअलिटी इन हैबिटेट सेल्फ टॉर्चर, उन्होंने बोला अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टॉर्चर भी नहीं करना इसलिए बोला था। मे बी प्रैक्टिकल ऑल वेरी इजिली, उन्होंने बोला हर चीज को प्रैक्टिकल तरीके से आपको देखना चाहिए। और स्टूड बिटवीन वैदिक रिलीजियस एंड जैनिज्म, इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया वेदों का और जैनिज्म का। क्या बोला था इन्होंने, ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन दिया इन्होंने जिसके आधार पर बुद्ध की ये फिलोसॉफी आती है? क्या ऑब्जर्वेशन था उन्होंने? ऑप्शन वेरी इजिली, आपका आंसर सी हो रहा है, सी, इसका आंसर सी प्राप्त हो रहा है आपका। अरे भाई बुद्धा ने बीच का रास्ता कब अपनाया था? जब वो अपने अपने आप को खाना पीना छोड़कर बैठ जाते थे,
कुछ नहीं, तब तो उनको जब मैंने बताया सुजाता की कहानी बताई थी आपको, जब उनको खीर खिलाई गई तो तुम उनको देखा, उनको समझ में आया नहीं यार ये तो मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए हमें, बताया था मैंने कहानी इसलिए बताता हूं ताकि याद रहे आप। क्या है आंसर? अवॉइडेड टू एक्सट्रीम हैबिचुअल सेंसिटिविटी एंड द हैबिचुअल सेल्फ टॉर्चर, अपने आप को इतना भी परेशान ना करो कि कुछ ही ना मिले हमें, इसलिए बीच का रास्ता अपनाना चाहिए जीवन में, अपने आप को ज्यादा कष्ट भी नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इस चीज को लेकर उन्होंने ये रास्ता कंसिडर किया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमोंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विद रिगार्डेड अर्थशास्त्र इज करेक्ट, अर्थशास्त्र के बारे में आप जानते हैं, उसमें से ये स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट आता है? इट एडवोकेट्स फॉर स्ट्रिक्ट एंड अथॉरिटेरियंस गवर्नमेंट, उन्होंने रिस्ट्रिक और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के बारे में जिक्र किया। इट सर्व एड स्टैंडर्ड रूल बुक फॉर मोस्ट ऑफ द एंशियंट इंडियन डायनेस्टीज, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से एक स्टैंडर्ड रूल बुक बनाई जिससे कि पूरी एंशियंट डायनेस्टीज रूल बुक के हिसाब से चलती थी। क्या सही है? क्या ये दोनों सही है? एक सही है, दो सही है, एक दो सही है, क्या सही है? हाँ, आपका आंसर बहुत है, तो इसका आंसर बच्चों देखो क्या होगा, इसका आंसर देखो क्या होता है कि इन्होंने स्ट्रिक्ट अथॉरिटेरियंस गवर्नमेंट थी, बिल्कुल सही था, लेकिन इन्होंने स्टैंडर्ड रूल बुक फॉर मोस्ट ऑफ एंशियंट इंडियन डायनेस्टी सब इसको करे, इन्होंने तो पॉलिटिक्स के ऊपर इस बुक को लिखा था, सबके ऊपर नहीं लिखा था, इसलिए इसका आंसर आएगा ओनली वन। क्या आएगा? ओनली वन आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। द सोर्स फाउंडिंग सपोर्टिंग द एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी, तो जो सोर्स है जो फाउंडिंग हुआ एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी का वो क्या है? ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, डेली एम्स कलेक्टेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द बुद्धिस्ट संघ, विलेज स्टेट्स यूनिवर्सिटी एक्वायर्ड बाय डोनेशंस। तो एंशियंट नालंदा को कहां से सपोर्ट मिलता था? गवर्नमेंट से या गांव से? कहां से सारा सपोर्ट मिलता जिससे पूरा वहां का साम्राज्य चलता था, वहां का प्रशासन चलता था? मैंने बताया था एक बार, कोई कमर्शियल एक्टिविटी थोड़ी थी, बुद्धिस्ट उसको पढ़ाया जाता था वहां पर। अरे बच्चों, इसका मैंने बोला था कि इसमें कई सारे गांव थे, 1100 गांव थे जब हर्षवर्धन के समय दान दिए गए और उनसे इनका सेगमेंट्स पूरा चलता था यहाँ पर, ठीक है, वहां से जो डोनेशन आता था उससे पूरी यूनिवर्सिटी चलती थी यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर डी होगा प्यारे बच्चों। बहुत शानदार आंसर दिया आप लोगों ने और मैं कोशिश करता हूं कि आगे भी ऐसे ही आप आंसर देते रहें, ठीक है। चलो बहुत शानदार है, कल हम हो सकता है मेडिवल हिस्ट्री लेकर आए, ठीक है, या आर्ट एंड कल्चर जो भी होगा हम लेकर आएंगे, उसमें बहुत शानदार आंसर दिए, ऐसे ही बने रहिए, बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, बोलो एग्जाम बहुत ईजी लगेगी आप लोगों को, बस बने रहिए, मिलते हैं कल, जय हिंद, वंदे मातरम।